निफ्टी के चार्ट में सिर्फ एक कैंडलस्टिक पैटर्न बताऊंगी आपको जो बहुत ही बढ़िया से वर्क करती है मार्केट में। जब भी ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपको दिखेगी, एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपको मार्केट से निकाल के देगी दोस्तों, ये मेरी गारंटी है। लेकिन जब भी ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपको दिखे, उसके कुछ ना कुछ रूल है, रेगुलेशन है, उसे आपको फॉलो करना पड़ेगा, स्टॉप लॉस को आपको मेंटेन करना पड़ेगा, तब जाके आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट मार्केट से निकाल सकते हो। कैंडलस्टिक पैटर्न कौन सी है, क्या सेटिंग होने वाली है और क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है, ये सब कुछ मैं बताऊंगी आगे वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिए। वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है इसलिए क्योंकि आप वीडियो को अच्छे से समझ पाए, स्ट्रैटेजी को अच्छे से समझ पाए। एक भी पॉइंट मिस होता है, स्किप करते हो आप, तो जो है आप स्ट्रैटेजी को अच्छे से समझ नहीं पाते हो। तो यहाँ पे चलिए, मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन कर रखा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, आप देख पा रहे हैं। और निफ्टी जो है यहाँ पे हमें साइडवेज नज़र आ रही है। साइडवेज नज़र आने के बाद हमें जैसे ही ब्रेकआउट मिलता है, आप देख पा रहे हैं ब्रेकआउट मिला है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मुझे नज़र आ रहा है। अगर आप बिगनर्स है तो आपको जो है स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस, सपोर्ट, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न कुछ भी नज़र नहीं आएगा। इसके लिए आपको जो है सीखना पड़ेगा। जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आपको चार्ट में कुछ भी नज़र नहीं आएगा। एक एक पॉइंट जो है मार्केट में इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। अगर आप एक भी पॉइंट मिस कर जाते हो मार्केट का, तो आप मार्केट को अच्छे से सीख नहीं पाते हो। अगर आप वीडियो देखने में आलस करते हो तो फिर आप मार्केट को नहीं सीख पाओगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं, मुझे यहाँ पर एक रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है। इस रेजिस्टेंस को मार्केट जो है रिस्पेक्ट कर रही है और यहाँ पर रेजिस्टेंस के पास आपको एक कैंडलस्टिक पैटर्न नज़र आ रही है। अगर आपको इस कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम पता है तो आप मुझे जो है कमेंट में बताइए, ताकि मुझे समझ में आए कि कितना आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में नॉलेज है और आपको कितना सीखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। हैमर के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी है, बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट निकाल के देती है हैमर आपको। उसकी वीडियो आपको मेरे प्ले लिस्ट में मिल जाएगी और एंड स्क्रीन में मैंने प्ले लिस्ट का लिंक दे रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कैंडलस्टिक पैटर्न नज़र आ रही है। इस कैंडलस्टिक पैटर्न को कहते हैं एंगल फ्लिक। और एंगल फ्लिक इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो पहली वाली जो इससे प्रीवियस जो कैंडलस्टिक पैटर्न बनी हुई है, मैं थोड़ा सा ब्रॉड करके इसे दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आए। यहाँ पे निफ्टी के चार्ट में आप देख पा रहे हैं ये जो प्रीवियस वाली कैंडल बनी हुई है, प्रीवियस वाली कैंडल को इस कैंडल ने जो है पूरा कवर किया हुआ है, इसीलिए इसे एंगल फ्लिक कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। तो जब भी ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपके चार्ट में बनेगी तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न अच्छा खासा आपको मूवमेंट देगी पुट साइड। अगर ये रेजिस्टेंस के पास बनती है तो आपको पुट साइड अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल जाएगा मार्केट में। और अगर ये सपोर्ट के पास आपको नज़र आती है, यहाँ पे कहीं पे समझ लीजिए ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट के पास अगर ये कैंडल नज़र आती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये वाले एंगल फ्लिक मुझे नज़र आ रही है, तो ये सपोर्ट के पास अगर हमें एंगल फ्लिक मिल जाती है तो हमें अच्छा खासा मूवमेंट अपसाइड देखने को मिल जाता है। लेकिन ये सपोर्ट के पास नहीं बनी है, ये थोड़ा सा ऊपर बनी है सपोर्ट से, सपोर्ट को टच नहीं किया है, तो इसे हम एंगल फ्लिक नहीं मानेंगे। सपोर्ट के पास एंगल फ्लिक बननी चाहिए या फिर रेजिस्टेंस के पास एंगल फ्लिक हमें मिलनी चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एंगल फ्लिक मिलने के बाद मार्केट ने कितना बढ़िया प्रॉफिट हमें दिया है। हम नाप के देख लेते हैं कितना प्रॉफिट मार्केट ने दिया है। यहाँ पर अगर हम नापें, इस कैंडल पर अगर हमने एंट्री ली होती तो हमें मिल जाता था 149 पॉइंट का प्रॉफिट। एक दो एग्जांपल और निफ्टी में दिखाऊंगी। निफ्टी में भी ये बहुत ही बढ़िया से वर्क करता है दोस्तों, और बैंक निफ्टी में भी बहुत ही बढ़िया से एक कैंडलस्टिक पैटर्न वर्क करती है। अब यहाँ पे अगर हम और एक एंगल फ्लिक ढूंढने की कोशिश करें तो हमें बिल्कुल मिल जाएगी। यहाँ पे अगर हम ढूंढें, ये जो स्ट्रैटेजी है डेली वर्क नहीं करेगी। जब भी आपको एंगल फ्लिक दिखेगी मार्केट में तभी आपको ट्रेड लेना है, तब तक आपको कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करना होता है। कंफर्मेशन कैंडल, जैसे कि मैं बताती हूँ, नेक्स्ट कंफर्मेशन कैंडल पे आपको ट्रेड लेना होता है। स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है ये भी मैं आपको बताऊँगी आगे वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे प्रीवियस कैंडल को जो है ग्रीन वाली कैंडल ने पूरा एंगल किया हुआ है, मतलब पूरा कवर किया हुआ है, तो ये हमारे लिए एंगल फ्लिक बनेगी। ये प्रीवियस के सपोर्ट के पास भी है और आप देख पा रहे हैं ये सपोर्ट के पास यहाँ पे बनी हुई है। और इसके बाद मार्केट ने कितना बढ़िया प्रॉफिट दिया है, हम देख लेते हैं कितना प्रॉफिट दिया है मार्केट ने। अगर हम देखें यहाँ पर नाप के तो हमें पता चल जाएगा ये हमारे लिए नेक्स्ट कैंडल जो बनेगी, क्लोजिंग होगी, वो हमारे लिए कंफर्मेशन कैंडल बनेगी। अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक भी नापे तो 96 पॉइंट का प्रॉफिट हमें मार्केट ने दिया है। उससे भी ज़्यादा पॉइंट का प्रॉफिट आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे। मार्केट ने कितना बढ़िया प्रॉफिट दिया है ये देखिए।
यहाँ पे। तो इस तरह से ये कैंडलस्टिक पैटर्न वर्क करती है दोस्तों। हैमर के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से हैमर भी वर्क करती है मार्केट में। जब भी हैमर बनेगी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देके जाएगी। यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक एंगल फ्लिक मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि ये जो प्रीवियस कैंडल है उसको पूरा कवर किया हुआ है एंगल फ्लिक ने। उसके बाद आप देख पा रहे हैं मार्केट में कितना बढ़िया प्रॉफिट मिला है। बिल्कुल आपको 100-150 पॉइंट ये कैंडलस्टिक पैटर्न निकाल के देगी मार्केट से। आपको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना होता है वो भी मैं बता देती हूँ आपको, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हो, समझ लीजिए एंगल फ्लिक बनने के बाद आप कंफर्मेशन कैंडल आपकी ये रहेगी। यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते हो तो आपको जो है स्टॉप लॉस एंगल फ्लिक से थोड़ा सा ऊपर लगाना पड़ेगा। तो अगर आपका टारगेट होता है 200 पॉइंट का, तो आपको जो है 70-80 पॉइंट का जो है स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा एंगल फ्लिक से थोड़ा सा ऊपर की तरफ। मतलब एंगल फ्लिक के पास ये जो कैंडल है यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। कट टू कट आप कभी भी स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं अगर आप कट टू कट स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो स्टॉप लॉस में जो बताती हूँ वैसे ही लगाया कीजिए दोस्तों, और स्टॉप लॉस को ज़रूर फॉलो कीजिए, नहीं तो आपको मार्केट में बड़ा लॉस भी हो सकता है। कोई भी स्ट्रैटेजी मार्केट में 100% वर्क नहीं करती है। और एक एग्जांपल बताऊंगी, उसके बाद वीडियो को क्लोज करूंगी। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया सा एग्जांपल है, आप देख पा रहे हैं इस कैंडल को जो है ये रेड वाली कैंडल ने पूरा एंगल किया हुआ है, मतलब पूरा जो है कवर किया हुआ है। तो किस तरह से बढ़िया से प्रॉफिट दिया है आप देख पा रहे हैं। ये हमारे लिए कंफर्मेशन कैंडल बनेगी। अगर हम यहाँ पे भी एंट्री लेते थे या फिर ये ग्रीन कैंडल पर भी एंट्री लेते थे तो भी मार्केट ने हमें अच्छा खासा बढ़िया प्रॉफिट दिया है। मार्केट में पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप पेशेंस नहीं रखते तो आपको प्रॉफिट मार्केट कभी नहीं देगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आपने एंट्री ली तो बिल्कुल मार्केट ने आपको कितना पॉइंट प्रॉफिट दिया है, 55 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे मिला है। अगर बैंक निफ्टी में आपको 100 पॉइंट मिल जाते हैं और निफ्टी में 20 से 30 पॉइंट भी मिल जाते हैं ना, बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट होता है। निफ्टी में और बैंक निफ्टी में जो है 80 से 100 पॉइंट का प्रॉफिट बहुत ही बढ़िया होता है अगर आप डेली निकाल लेते हो। तो डेली ये स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करेगी। जब भी आपको एंगल फ्लिक दिखेगी मार्केट में आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं कंफर्मेशन कैंडल बनने पे। स्टॉप लॉस मैंने बता दिया कहाँ पे लगाना है, स्टॉप लॉस को ज़रूर फॉलो करना है। आई बटन में जो भी वीडियो दे रखी है, स्ट्रैटेजी की वीडियो है, ज़रूर जाके देखिए। एक इंपॉर्टेंट वीडियो है ऑर्डर बुक की वीडियो, उसे ज़रूर जाके देखिए, वो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को बिल्कुल चेंज कर देगी। तो उस वीडियो को ज़रूर जाके देखिए। एंड स्क्रीन में जो भी वीडियो दे रखी है, प्लेलिस्ट की वीडियो है और स्ट्रैटेजी की वीडियो दोनों भी है, आप वो भी जाके देख सकते हैं। बाकी की स्ट्रेटजी की वीडियो आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो यही था दोस्तों इस वीडियो में। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइए, आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी इस वीडियो को देख के एनालिसिस करना सीख सके, स्ट्रैटेजी सीख सके और अपने लॉस को धीरे धीरे रिकवर कर सके। एनालिसिस सीखना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जो आपके रिलेटिव्स है, आपके जो फ्रेंड हैं, उन्हें ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी अपने लॉस को रिकवर कर सके धीरे धीरे एनालिसिस सीख के, और जो है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके। थैंक यू सो मच दोस्तों।